रमदान अल मुबारक का आखिरी अशरा निजात, उसकी दुआ है अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, ए अल्लाह मुझे दोजख की आग से बचा ले, आमीन सुम्मा आमीन। Hello everyone, assalamu alaikum, good morning and welcome back to the new vlog after a long time। कुछ पूछा पहले रोजे के बाद डायरेक्टली आपसे मुलाकात हो रही है 29वें रोजे पर। हो सकता है कि आज आखिरी रोजा हो और कल ईद हो जाए, लेकिन हो सकता है कि कल रोजा हो, कुछ भी हो सकता है। 12, 1, 2 बजे भी ऐलान हो सकता है कि कल ईद है, कल रोजा है। अपनी तैयारी आपने पूरी रखनी है दोस्तों। इसमें मेरी बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है कि पहले रोजे में मैंने जो व्लॉग बनाया उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अब व्लॉग बनाऊंगा, लेकिन रमदान करीम ने इतनी तेजी पकड़ी कि मैं आप क्या ही बताऊं। डायरेक्टली आपसे मुलाकात हो रही है 29वें रोजे पर। अब देखो, मैंने कोशिश की थी कि मैं अब डेली व्लॉग बनाऊंगा, लेकिन भाई यूं रमज़ान निकल गया, क्या ही करें। हम अभी सुबह के 11 हो रहे हैं और सहरी करने के बाद अमूमन मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा सोने की, लेकिन ये कोशिश मेरी नाकाम जाती है। सहरी करने के बाद हमेशा ही जागते हुए दिन निकल जाता है, फिर हम काम पर निकल जाते हैं, फिर दिल नहीं करता व्लॉग बनाने का। तो दोस्तों, दबा के सहरियाँ, दबा के इफ्तारियाँ अल्हम्दुलिल्लाह पाक के कुम से, उसके हबीब के सदके वसीले से हो रही हैं, दबा के अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग नहीं हो रहा उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि मोटिवेशन मैटर्स अ लॉट। जब बच्चा स्कूल में काम अच्छा करता है तो उससे कॉपी पे एक्सीलेंट लिखा हुआ मिलता है, तो उसका दिल बड़ा होता है, चौड़ा होता है दिल। जाने दो कि उसका दिल चौड़ा होता है कि ये वाले एक्सीलेंट उसे दोबारा भी चाहिए। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हो, आप व्लॉग देखते हो, नहीं देखते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, व्यूज़ आते नहीं है, दिल कैसे करेगा, कैसे इस मुल्क में रहें। अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। बहरहाल दोस्तों, ये तो एक्सक्यूज फालतू की मैं दे रहा हूँ, मुझे खुद भी बड़ा शौक है वीडियोस बनाने का, तो मैं वीडियो बनाता ही रहूँगा, अच्छी या हो या बुरी हो, देखो ना देखो, लेकिन देखोगे तो मज़ा आएगा। आज छुट्टी हमारी, कड़ाकेदार खतरनाक वाली धूप निकली है, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई धूप में ना ही निकलो तो ही बेहतर होगा। बहरहाल अगर ज़रूरी हो निकलना तो फिर एहतियात लाजमी करके जाएं। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि इस वाले रमज़ान मैंने कोई भी व्लॉग्स नहीं बनाए, बनाए लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पाया किसी वजह से। तो ये वाली जो वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, 29वां रोज़ा है आज। तो आज वाले व्लॉग्स में मैं वो वाले पुराने क्लिप्स व्लॉग्स ऐड कर दूँगा। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, ठीक है ना। आप मुलाहजा कीजिए ये मिक्स वाले व्लॉग्स। मैं इस वक्त बाल कटवाने आया हूँ और बाल काटेंगे मेरे ये रियाज भाई। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। कैसे हो सब लोग, उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। पहले रोज़े के बाद डायरेक्टली आपसे मुलाकात हो रही है 16वें रोज़े पर। उसकी वजह है दोस्तों, उसकी वजह यह है कि मोटिवेशन मैटर्स अ लॉट। जब बंदा नहीं, जब बच्चा स्कूल जाता है और उसको कॉपी पर एक्सीलेंट लिखा हुआ मिलता है, तो फिर दूसरे दिन वो ज़्यादा मेहनत करके जाता है कि ताकि ये एक्सीलेंट उसे दोबारा भी मिल ले। ये बिल्कुल बच्चों वाली मिसाल मैंने आपको पेश की है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जब बंदा वीडियोस बनाता है उस पर थम्स अप नहीं आते, लाइक्स नहीं आते, कमेंट्स नहीं आते, तो बंदे की दिल जो है ना थोड़ा सा नहीं करता वीडियोस बनाने का। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। 16वां रोज़ा है और दूसरा अशरा जारी और सारी है, उसकी दुआ है अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व तूब इलैह। मैं अल्लाह पाक से अपने तमाम गुनाहों की बख्शिश मांगता हूँ जो मेरा रब है, और उसी की तरफ रुजू करता हूँ। ये दुआ आनी चाहिए आपको। और दूसरी बात है, दबा के सहरियाँ कर रहा हूँ, दबा के इफ्तारियाँ कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा, बस रेडी हो चुका हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ ऑफ़िस, और ऑफ़िस की क्या अपडेट है पहुँच के फिर बताता हूँ। और 16वां रोज़ा आप सभी देखने सुनने वालों को एक बार फिर मुबारक। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, और सबके दस्तरखानों को अल्लाह पाक वसअतें अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो
तो चलते हैं ऑफिस और पहुँच के फिर दिखाते हैं, बताते हैं क्या अपडेट्स हैं। अच्छा, इस वक्त हम बिल्कुल डार्क आ रहे हैं क्योंकि अब अच्छे आ रहे होंगे, अब अच्छे आ रहे होंगे। तो वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हो यार? नहीं नहीं, इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे, आएंगे। बाकी बात है, आज ऑफिस में हम कोई भी वीडियो नहीं बना सके क्योंकि थोड़ा सी थकन भी हो रही थी, गर्मी बहुत ज़बरदस्त थी। लेकिन आज भी गर्मी है, आज भी थोड़ी, लेकिन बीच में ज़बरदस्त मौसम हो गया था, नमाज वमाज़ पढ़ ली थी, अभी ऐसे भी नमाज़ पढ़ेंगे। और ज़्यादा कुछ था नहीं बताने के लिए, दिखाने के लिए, तो बस इतना ही है, अभी घर जा रहे हैं। ठीक है, तो गाइस मैं ऑफिस से घर वापस आ चुका हूँ और अभी वक्त हुआ जाता है नमाज असर का, तो असर की नमाज़ पढ़ते हैं। The next day. अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक, डे 17। दोस्तों कल वाले व्लॉग में ऐसा कुछ खास नहीं था, तो आज दोबारा मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। यकीन करो आज के व्लॉग में भी ऐसा कुछ खास होने वाला नहीं है, लेकिन क्या है कि मुझे खुद भी तो शौक है ना व्लॉग में आने का, क्या ही तो करूँ। तो जल्दी से अगर बाय चांस अमीर लोग ये व्लॉग देख रहे हैं तो जल्दी से स्पॉन्सर करो, और दो लोगों के लिए करना यार, अच्छी जगह पे, किसी अच्छी जगह पे जाएंगे, आपके लिए व्लॉग्स बनाएं, और ऐसे व्लॉग्स बनाएंगे, ये तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, अच्छे व्लॉग्स बनाएंगे और सारे पैसे आपको वापस भी कर देंगे। नीचे आपने नंबर भी, आपने अकाउंट नंबर देना है ताकि जब आप स्पॉन्सर करें और जब हम अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाएं तो हमें भी वापस रिटर्न कुछ मिले, तो फिर हम आपको वो पैसे वापस भी कर देंगे। यार सीधी बात है, मैं सीधी बात करूँगा, मैं हूँ एक्टर बंदा, आई एम एन एक्टर। हमसे अदाकारी करवा लो, ये एडिट वाला काम हमसे नहीं होता भाई, बात है सीधी, ये आई एम अ मूवीज स्टार, आई एम अ मूवीज एक्टर। तो आज कोशिश करेंगे कुछ कॉन्टेंट निकले। तो कल था 16वां रोज़ा, आज है 17वां रोज़ा, तो कल वाला और आज वाला मुश्तरका ये व्लॉग आपके लिए मैं पेश कर दूंगा, पेश खिदमत कर दूंगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। बहरहाल इस वक्त दोबारा आज मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कल ऑफिस में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, कुछ था ही नहीं, सही बात करूँगा यार। देखें आप बड़े एक्साइटिंग ग्लैमरस व्लॉग्स देखने के कायल होंगे, पाबंद होंगे, मैं भी देखता हूँ, उनके पास गाड़ियाँ होती हैं, बंगले होते हैं, हमारे पास बंगला तो है लेकिन गाड़ी वाड़ी नहीं है, और गरीब दोस्त हैं, देखते होंगे आप, गरीब बेचारे, अरे गरीब लोग देखने वाले, अरे है क्या ही करें, बहुत दुख है ज़िंदगी में। लेकिन शाहरुख साहब ने कहा है कि बड़े दुख के सामने छोटा दुख दुख नहीं लगता, दुनिया में बहुत गम है, अपना गम तो बहुत कम है। आपने देखा होगा पहले बंगला बना था, उसके बाद प्लाट था, अब ये काम स्टार्ट हो चुका है बहुत ही तेज़ी से, सामने दरगाह है, तो अभी आपको चल के दिखाते हैं। दोस्तों ये प्लाट भी हम दूसरी साइड आ चुके हैं, यहाँ पे पहले बंगला था, उसके बाद ये प्लाट भी मैंने आपको दिखाया था, अब यहाँ पे काम तेज़ी से स्टार्ट हो चुका है, और ये सामने दरगाह है, और ये मैं दोस्तों मैं ऑफिस पहुँच गया था, अभी मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने ज़ोहर की, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी नमाज़ पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह जी नमाज़ पढ़ ली ज़ोहर की। बाकी जी ये हमारा शहर है कोटरी, ये मैं हूँ और ये हमारा शहर है। खुशामदीद दोस्तों, इस वक्त हम ऑफिस में पहुँच चुके हैं और ये शोर शराबा आपको सुनाई दे रहा है, थोड़ा सा कम है, रमज़ान का एहतराम कर रहे हैं ये लोग भी, वरना तो बहुत शोर शराबा होता है। और सामने चीज़ें बिक रही हैं, आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें बिक रही हैं। बंद है यार ये एटीएम, हमारे को किसी काम की है ये जी, कोटरी का मशहूर मारो फल्ला वाला छो। Bismillah.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्म इन्नी लकसुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। भाई अफ्तारी के बाद आई हैं मुंतहा और मरियम हमसे मिलने के लिए। और मुंतहा क्या हाल चाल हैं, क्या हाल चाल मुंतहा? अच्छी अच्छी बातें बताओ लोगों को, अच्छी अच्छी बातें, सुटी सुटी गाली बताएं। ओयो वाओ मरियम सा आई हो, वाओ जबरदस्त जबरदस्त। ये क्या है मरियम, ये मरियम आपने बनाए? ओ वाओ ब्यूटीफुल। ओ वाओ The next day. अल्हम्दुलिल्लाह जी, असर की नमाज़ हमने पढ़ ली है। अल्लाह पाक सभी देखने सुनने वालों के दस्तरखानों को वसअतें अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। थोड़ी देर में रोज़ा इफ्तार होने वाला है दोस्तों। तो जी 29th रोज़ा हमने इफ्तार किया है मरियम और मुंतहा के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नमाज़ मगरिब की पढ़ ली है और इंतकाफ़ वाले लोग भी बैठे हैं इसी इंतज़ार में कि या तो ईद का ऐलान हो जाए या फिर रोज़े का ऐलान हो जाए। तो दोस्तों शवाल का चांद नज़र आ गया है, सभी देखने सुनने वालों को शवाल के चांद की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो आइए इत्तेकाफ़ में बैठे हुए दोस्तों से मिलते हैं और आपको भी मिलवाते हैं। थोड़ा यार इत्तेकाफ़ वाला बहन, ठीक है लगा दिया। वही तो वीडियो थी।